आज मैं फिजिक्स के ऐसे तीन महा खतरनाक क्वेश्चंस को बताऊंगा विद सॉल्यूशन, और एक एक करके कंप्लीट कराऊंगा, और ऐसे बताऊंगा इन्हीं 4 से 5 मिनट के अंदर कि आपको इन क्वेश्चंस को अगर कंप्लीट कर लोगे तो 10 अंक आपके फिक्स हो जाएंगे। इन तीन क्वेश्चंस में से ये क्वेश्चन जब भी आते हैं बेटा 5 अंक के आते हैं। सबसे पहली बात, जब भी ये क्वेश्चन आएंगे तो कितने नंबर का आएगा, एक क्वेश्चन 5 अंक का आएगा, और वो जहर क्वेश्चन बताने वाला हूँ जो कि यूपी बोर्ड में अपने देखिए 7 सेट बनते हैं। 7 सेट में कम से कम 4 सेट में एक क्वेश्चन ये वाला क्वेश्चन रखा रहता है। तो आप समझ जाइए कि आपके एग्जाम पर भी क्वेश्चन रखा जा सकता है। देखिए कितने बार पूछा गया है, तो ऐसे क्वेश्चंस को बताऊंगा। तो यार प्लीज, जो मेरे चैनल के हेल्पर है ना, जो बहुत अच्छी मेरी वीडियो जिनको लगती हैं, वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को, हाँ, वो प्लीज़ मेरे वीडियो को शेयर कर दें। सबसे पहले जो मेरे होस्ट हैं, मतलब चैनल के, जो हम हमेशा कमेंट करते हैं, जैसे खालिद और सचिन गोला, और इसके बाद अर्चना करके एक हैं, और ऐसे तमाम बहुत सारे लड़के हैं जिनका मैं नाम ना ले पाया, उनके लिए सॉरी, कमेंट करें, मैं उनका भी नाम अगली क्लास में ले लूँगा। ये सभी बच्चे क्या करें, जितने भी बच्चे देख रहे हैं ना, प्लीज़ इस वीडियो को सबसे पहले शेयर कर दो। शेयर करने के बाद यहाँ पे आइए। इसके बाद दोस्तों, मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ। जैसे कि सपोज करिए, आपने चैनल को, चैनल पर जो भी वीडियो आती है पढ़ नहीं पाते हो, अनसॉल्व आती है, अनसॉल्व पढ़ नहीं पाते हो, अनसॉल्व क्या करना है पढ़ के बोलते हो, तो सबसे पहली बार आपको अनसॉल्व पेपर जरूर पढ़ना है, जो कि मैं करवा रहा हूँ अनसॉल्व पेपर को, तो उसे कंप्लीट रखिए, ठीक है, एकदम कंप्लीट रखिए। अब देखिए, जैसे कि क्वेश्चन पहला है, पीएन सन डायोड कह रहा है, पीएन सन डायोड पूर्ण तरंग दिष्टकारी के रूप में परिपथ आरेख बनाइए, इनकी कार्यविधि लिखिए। मतलब कह रहा है कि पीएन सन डायोड के लिए पूर्ण तरंग दिष्टकारी, यानी कि फुल वेव रेक्टिफायर, क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं बेटा फुल वेव रेक्टिफायर। तो देखिए ये कितने बार एग्जाम में पूछा गया, फुल वेव यानी कि पूर्ण तरंग दृष्टिकारी, या फिर यहाँ पे क्वेश्चन बोल देता है अर्ध तरंग दृष्टिकारी। ये क्वेश्चन बहुत एग्जाम में पूछा जाता है बेटा, इससे ज़्यादा हद है इस क्वेश्चन से, कि मतलब इतने बार पूछा जाता है कि मैं कुछ कह नहीं सकता, इतने बार पूछा जाता है। तो आप लोग को इसका सोल्यूशन भी मिलेगा, जैसे कि मैंने आपको कहा था। तो यूट्यूब पर आप देख रहे हैं, सर्च बार में आप टाइप करिए पीएन सन डायोड पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के रूप में बाई सक्सेस नॉलेज, ये वाला वर्ड लगा दीजिए, बाई सक्सेस नॉलेज। मैंने इसका पर्टिकुलर वीडियो अभी 2-4 दिन पहले बनाया हुआ है, जाकर के देख लीजिए, एक एक समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेनर डायोड का उल्टता नियंत्रक के रूप में परिपथ बनाकर समझाइए। मतलब कि जो जेनर डायोड है उसके बारे में आपको कंप्लीट जानकारी देना है। जैसे कि ये है, इसमें से क्या होता है कि इसमें 2 कुंडलियां होती हैं। कितनी कुंडलियां होती हैं बेटा, 2 कुंडलियां होती हैं। सपोज इसके ऐसे चित्र बनता है इसका, हमने कोई वो लगा देते हैं, और यहाँ पे P1 P2 एक ऐसी कुंडली हो जाती है, इसको हम P1, इसको P2 लेट कर लेते हैं, और एक यहाँ पे कुंडली हो जाती है, इसको हम यहाँ पे एक जेनर डायोड लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं बेटा, जेनर डायोड लगा देते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे क्या होता है, इस पे पूर्ण तरंग दृष्टिकारी में 2 जेनर डायोड होते हैं, ये जेनर डायोड, 2 जेनर डायोड होते हैं, इसमें 1 जेनर डायोड होता है। फुल डिटेल वीडियो मिल जाएगा आपको, कभी नहीं भूलोगे, उस वीडियो को आप देख लीजिए जाके। टाइप करना है आपको यहाँ तक, पीएन सन डायोड पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के रूप में, इसके बाद रूप में यहाँ, अब बस इसको इसे टाइप कर देना है बाई सक्सेस नॉलेज को, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपको टाइप करना है, जेनर डायोड वोल्टता नियंत्रक के रूप में, और इसके बाद यहां से टाइप करने के बाद इतना, और ये टाइप कर देना है, बाई सक्सेस नॉलेज मिल जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, एनपीएन ट्रांजिस्टर की आपको रचना बतानी है और कार्यविधि बतानी है। तो इसके लिए भी आप टाइप करिए एनपीएन ट्रांजिस्टर बाई सक्सेस नॉलेज, ठीक है। तो आई होप समझ में आ गया होगा, इनका सोल्यूशन भी मिल गया। अब आप लोग ये कमेंट करके बताइएगा कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या इनको फिर से सॉल्व करवा दूं यहीं पे? जैसे अब आपको जाना होता है, फिर यूट्यूब पर सर्च करना होता है, फिर वीडियो आती है, फिर देखते हैं अलग अलग, तो क्या मैं इनको एक तरफ से फिर से सोल्यूशन करवाना स्टार्ट कर दूं? आप लोग ये बात कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। तो मैं अगले दिन से क्वेश्चन ना बता करके इनके क्वेश्चन और सोल्यूशन दोनों बताऊँगा, ठीक है।